कर बेटा कर, अपनी तबीयत खराब कर, मम्मी भी डांट लगाएगी पर मुझे कोई भेज दिया तो अब क्या ही कर सकते हैं, अब जा रहे हैं, अब कल आएंगे या परसों आएंगे। हाँ, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है देश के विकसित होने में, बट सेल दे नहीं है तो सेल कर नहीं सकते। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मौज में होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एक नए दिन की शुरुआत के साथ। आप सभी का स्वागत है पूनम ग्रीस व्लॉग्स में। तो आज का दिन की शुरुआत करते हैं और अब मैं अपना जो मेरा डेली का रूटीन होता है कंप्लीट करके आ चुकी हूँ। अब मैं जाती हूँ किचन की तरफ और मैं तैयारी करती हूँ ब्रेकफास्ट की। तो आज ब्रेकफास्ट स्पेशल में है टोस्ट, जो मेरे हस्बैंड का पर्सनली फेवरेट है, बिकॉज उसमें क्या जाने वाला है वो तो आप सभी को पता चल ही गया होगा। तो मिले और आप भी अपने घर में अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए, ठीक है? फिर मिलते हैं। हे फ्रेंड्स, समर सीजन की मेरी फर्स्ट आइसक्रीम। एक्चुअली समर सीजन आते ही मुझे आइसक्रीम की इतनी क्रेविंग्स होती है, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। और मेरे हस्बैंड को आइसक्रीम नहीं, उन्हें कोल्ड ड्रिंक पसंद है। मतलब मैं जितना आइसक्रीम खाती हूँ उतना ही कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो हम दोनों के लिए घर पे आता है, उनके लिए आती है कोल्ड ड्रिंक, मेरे लिए आती है आइसक्रीम। तो दिस इज माई फर्स्ट आइसक्रीम सीजन की, ये पहली आइसक्रीम है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर क्या बोलते हैं, तो आप लोगों के यहाँ आइसक्रीम आई गई या नहीं ये भी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। तो मैं अभी अपनी आइसक्रीम एंजॉय करती हूँ, क्योंकि बाहर ना थोड़ा धूप निकल चुकी है। अब मतलब हमारे बालकनी की तरफ धूप आ गई है, वरना शाम को अगर मैं इसे खाऊंगी ना तो मुझे ठंड लग जाएगी। तो मैं इसे एंजॉय करती हूँ। फिर उसके बाद मुझे लंच भी बनाना है, मैं लंच बनाऊंगी उसके बाद। पता है क्या, आइसक्रीम मतलब बहुत पसंद है मुझे। पूरे ठंड भर मेरी इस बार बहुत तबीयत खराब रही, जिस कारण ना मैं कोल्ड ड्रिंक पी पाई, ना मैं आइसक्रीम खा पाई। अदरवाइज मैं पूरे साल कभी आइसक्रीम को मना नहीं करती हूँ, पर इस बार ना सितंबर से मुझे पूरी अवॉइड करनी पड़ी। और तो मेरा इतना टाइम बाद मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। तो आप लोग भी जरूर जाएं दुकान पे, आइसक्रीम खरीदें और खाएं। ये पिघलती हुई आइसक्रीम फ्रेंड्स कितनी अच्छी लगती है, और इसे धूप में हल्की हल्की, देखिए कितनी हल्की हल्की हवा चल रही है और इसमें हल्की हल्की धूप के साथ इसे खाने में जो मज़ा आ रहा है ना, आई कैन फील। फ्रेंड्स यहाँ देखिए कि हल्की हल्की हवा और यहाँ पे बालकनी में धूप, तो छांव और धूप की कॉम्बिनेशन पे बैठ के ये आइसक्रीम बहुत टेस्टी लग रही है। और शायद मुझे ये भी लग रहा है कि ये व्लॉग मेरे घर तक गया तो मुझे सबसे पहले मेरा फ़ोन आएगा मेरी सास का, सासू माम बोलेगी कर बेटा कर, अपनी तबीयत खराब कर, मम्मी भी डांट लगाएगी पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो इसे ज़रूर इंजॉय करने वाली हूँ। मैं अब आ चुकी हूँ थोड़ा देर बाहर धूप में बैठकर, और अपना थोड़ा धूप में जो कपड़े वगैरह सुखाने के लिए मैंने रखे थे कंफर्ट में, मैंने भिगो के कपड़े रखे थे, फिर मैंने उसे हैंग करके रखे थे ताकि सारा पानी निकल जाए। तो उससे क्या होता है कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और उतने ज़्यादा देर उन्हें धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बाहर बालकनी में बैठ के अपनी फेवरेट आइसक्रीम इंजॉय करके भी आ चुकी हूँ और कपड़े भी तार में डालकर आ चुकी हूँ। और अब मैं जाती हूँ किचन की तरफ, जो मेरा बेसब्री से वेट कर रहा है और बोल रहे आओ और यहाँ खाना पकाओ। तो अब चलते हैं किचन की तरफ और दिन का खाना की तैयारियाँ करते हैं। आप सब भी अब बनाइए खाना। अब हो गया है दिन का टाइम, तो मैं अब जा रही हूँ किचन की तरफ और मैं आज बना रही हूँ लंच में एक साग और दूसरी छोले और एक उसके साथ राइस लेंगे और फिर सैलेड। क्योंकि हे फ्रेंड्स, तो खाना सारा कंप्लीट हो गया, बनके रेडी हो चुका है, बस अब मेरे हस्बैंड के आने की देरी है। बट वो अभी तक आई नहीं क्योंकि उनकी एक मीटिंग थी, वो बोल रहे थे, उनका फ़ोन मुझे आया था 11 बजे, तो वो बोल रहे थे आज आने में थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि मीटिंग है और वो फ़ोन स्विच ऑफ कर रहे हैं। तो जस्ट अभी उनका कॉल फिर से आया कि मीटिंग तो ख़त्म हो गई है, अभी और काम ख़त्म करके वो आएंगे, लेकिन अभी आते आते उन्हें शायद आज देर हो जाएगी। जैसे और दिन वो 1 से 1:15 बजे तक आ जाते हैं, तो आज शायद 2 बज जाएंगे। अब ये नहीं पता कि कितने बजे तक आएंगे, तो तब तक मैं क्या करूँ, मुझे भूख लग रही है। और दिन मुझे भूख नहीं लगती है, आज पता नहीं क्यों मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। तो मैंने अब टाइम पास करना है और ऐसी हैवी चीज भी नहीं खा सकती कि जिसकी वजह से ना पेट भर जाए फिर लंच के टाइम पे भूख ना लगे। तो मैंने ना ये मूंगफलियाँ ले ली हैं, अब मैं इन मूंगफलियों को खाते हुए टीवी देखते हुए टाइम पास करती हूँ और अपने हस्बैंड का आने का वेट करती हूँ।
हे फ्रेंड्स, तो फिर मेरा लंच रेडी हो चुका है और इस लंच को मैं अब सर्व करती हूँ अपने हस्बैंड को। ये देखिए टेस्टी सा खाना, आप लोग भी बनाएं और खाएं और एंजॉय कीजिए। हे फ्रेंड्स, खाना तो हम लोग खा चुके हैं, पर मेरा क्या हुआ था कि मैं जब से यहाँ आई हूँ तो मैं घर पे ही मलाई से घी बनाती हूँ। तो मलाई को तो धीरे धीरे इकट्ठा करके मैं एक फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रिज में एक किसी बड़े बर्तन पे। जब वो भर जाता है तो उसको ना या तो मिक्सी में, वैसे मोस्टली मैं मिक्सी में ही बनाती हूँ, पर आज मैंने सोचा कि जैसे हाथ से ट्राई करके मक्खन निकाल लेते हैं, तो वो बनाया मैंने। मक्खन तो मैं निकाल चुकी हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स कि अच्छा खासा मक्खन अच्छी क्वांटिटी में निकल चुका है। अब मैं ना इसे गैस पे चला कर इसका घी बनाऊंगी, तो अब देखते हैं कि जब ये घी बन जा के तैयार होगा मैं आपको तब भी दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी 10 दिन की मेहनत का ये है मक्खन, जो मैंने 10 दिन से जो दूध हमारे वहां आ रहा था उस दूध को स्टोर करने के बाद जो मक्खन निकला है ये उसका दूध है। फ्रेंड्स, दिन में जो मैंने मक्खन बनाया था मलाई का, तो वो मैं ऐसे ही उसे ढककर प्लेट से चली गई थी, क्योंकि उस टाइम ना मुझे ताकत नहीं थी कि मैं उसे बनाऊं। तो अभी शाम हो गई, मैं उठ के आई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, तो मैंने अभी वो घी बना दिया है और वो इतना अच्छा लग रहा है देख के। क्योंकि ऐसा होता है ना, बाजार का 1 किलो के घी को भी हम लोग उतना नहीं अच्छा कह सकते जितना हम लोग इस घर के प्योर एक कटोरी घी को होगा ना, उसको देख के इतनी खुशी होती है और इतना प्योर लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो घी के सुबह में दिन में मैंने मक्खन निकाला था उस वक्त कितना टेस्टी सा घी, प्योर घर का घी बन गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, विकसित और विकासशील देश में कितना अंतर है। सिर्फ इतना ही अंतर है कि विकसित देशों में ये बच्चे जो अभी यहाँ पे ऐसे करके खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये अदरवाइज ये विकसित देशों में होते तो वहाँ पे ये कुछ ना कुछ कर रहे होते। इनके पेरेंट्स इन्हें ऐसे नहीं छोड़ते, इनका फ्यूचर देखिए फ्रेंड्स कैसा होगा। तो अभी हम लोग यहाँ रास्ते से गुजर रहे हैं तो हमें इन्हें देख के ये फील हो रहा है कि हाँ अभी भी कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है देश के विकसित होने में। हे फ्रेंड्स, हम लोग कैंटीन गए और हमें यहाँ आके पता चला कि आज मंथ का लास्ट डेट है, तो यहाँ आज सेल नहीं होगा, तो ये क्लोजिंग डे है जिसमें ये लोग मंथली वो करते हैं, क्लो मतलब सारा जो भी कितना बिका, मतलब जो भी यहाँ के रूल होंगे, रूटीन होंगे, वो कर रहे हैं। तो हम लोगों को उन्होंने दरवाजे से बता करके क्लोजिंग डे है करके भेज दिया, तो अब क्या ही कर सकते हैं, अब जा रहे हैं, अब कल आएंगे या परसों आएंगे, बट सेल डे नहीं है तो सेल कर नहीं सकते। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो एरिया है ये कैंटीन के बाहर का एरिया है, और ये मेरी दीदी और ये कैंटीन, पूरी कैंटीन है। बट क्या ही कर सकते हैं कि हम लोग आए सामान ले रहे थे और हमें मिला नहीं, तो हम इस पार्क का ही आनंद उठा रहे हैं। और पीछे का जितना भी एरिया है ना, ये अभी बनने में ही है, इसमें काम चालू है, वर्क इन प्रोग्रेस। फ्रेंड्स ये देखिए, ये ना ये CRPF कैंप है, इसके पीछे ये स्कूल बना है, कैंप की तरफ से ही है, कैंप में ही है, जिसका नाम है मॉन्टेसरी स्कूल। तो अभी ये इसका में काम चालू ही है। देखिए गार्डन का जो एरिया है यहाँ पे, इसमें घास तो लगा के ऑलमोस्ट डन है, बट ये उगने की बाकी उगना बाकी है। फिर इसमें प्लांट्स वगैरह लगेंगे, ये स्कूल फिर स्टार्ट हो जाएगा, इसका इनॉग्रेशन होगा, फिर क्या बोलते हैं, फिर इसका जो भी है शायद इसी साल से अप्रैल से इस स्कूल का उद्घाटन हो जाएगा। तो ये रहा स्कूल जो यहाँ के बच्चों के लिए है। आइए, अगर अंदर अलाव है तो मैं आपको अंदर का भी सीन दिखाती हूँ। हाँ वो तो है, देखिए अंदर में एक्चुअली यहाँ काम चालू ही है। आपको मैं इसका स्कूल का जो लोकेशन है वो अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये स्कूल, ये मेन गेट है, ये देखिए यहाँ अभी काम चालू ही है। देखिए लेडीज यहाँ बैठ के शायद ये यहाँ झाड़ू वगैरह जो भी लगा रही है, या फिर ये जो अंदर बीच में एरिया है इसके बीच में लगी है यहाँ। ये देखिए स्कूल का जो एरिया है वो इस तरीके से है, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है स्कूल के क्लासरूम। ये देखिए ये क्लासरूम बहुत सुंदर, बहुत अच्छे हैं, और इसी के साथ ही अटैच्ड वॉशरूम यार मुझे दिखाते रह रही हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी है, ये बड़ा हॉल है शायद। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मुझे इतना पता नहीं है, ये वही वहीं से वहाँ से ये वाला रूम है। हाँ जब यहाँ ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर पता चलेगा कि कौन सा रूम किसके लिए है एंड कौन सा।
हाँ ये देखिए, ये तो क्लासरूम से होता है, कहते हैं टीचर का होता है और स्टूडेंट का आने जाने का। ओके देखिए, ये देखिए काफी ब्यूटीफुल है। वैसे दीदी ये ज्यादा बताती है। ये देखिए ये फ्रेंड्स ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं, तो ऊपर का भी मतलब आई थिंक ऊपर क्लासरूम ही है। और ये एग्जिट रूम है, एग्जिट गेट, तो यहाँ से बाहर जा सकती हूँ जाने के लिए। बच्चों का प्लेग्राउंड वगैरह हो सकता है यहाँ से, शायद हो सकता है कि हाँ क्या प्लेग्राउंड वगैरह। हाँ पहले एक जंगल था, ठीक है, जंगल को काट काट कर ये बनाया गया था ये सीआरपीएफ कैंप। और यहाँ जो स्कूल बना है अभी भी देखिए जंगल दिख रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इतना जंगल एरिया दिख रहा है, तो अब इसीलिए तो ये यहाँ पे पूरी एरिया जो है अभी सीआरपीएफ कैंप वालों की है ना दी। हाँ अभी ये प्रक्रिया चल रही है बनने की। हाँ वर्क इन प्रोग्रेस कह सकते हैं। हमारी बिल्डिंग फ्रेंड्स वो देखिए, वो लास्ट बिल्डिंग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऑलमोस्ट 15 बिल्डिंग एक साइड में है फ्रेंड्स, जो अभी बननी बाकी हैं। और ये सारे फैमिली क्वार्टर्स हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स जो ये एरिया दिख रहा है आपको पेड़ों के पीछे, ये वो एरिया है जहाँ यहाँ के जवान लोग रहते हैं, जो फैमिली के साथ नहीं रह रहे हैं और फैमिली के बिना यहाँ बैरिक्स में रह रहे हैं, यहाँ पे सारे वो लोग रहते हैं। ये मैंने आपको जूम करके दिखाया हुआ है क्योंकि स्कूल से ये काफ़ी दूर है, क्योंकि ये एरिया इतना बड़ा है कि अगर मैं पूरे सीआरपीएफ कैंप की वीडियो अगर बनाना में लगूँ तो मुझे पूरा शायद एक पूरा दिन लग जाएगा और फिर भी नहीं बन पाएगी। तो यहाँ रहते हैं जवान लोग। देखिए मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और मैंने उनको बोला स्टॉप, एक मिनट मुझे व्लॉगिंग करने दो। फिर अब वो आ चुके हैं, अब सामान लेके आए मेरे लिए ढेर सारा, अब मैं सामान को एडजस्ट करूंगी और उनके आने के बाद उन्हें सामान दूंगी कि वो चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, जो भी उन्हें पीना हो, फिर उनको देखकर और फिर उनको चाय पानी पूछती हूँ कि उन्हें क्या चाहिए, फिर हम साथ में चाय पियेंगे, फिर रात के डिनर की तैयारियां करेंगे कि जो जो उन्हें मतलब देखती हूँ क्या बनाना है आज डिनर पे, उसकी प्लानिंग करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आप सभी मेरे इस व्लॉग को बहुत प्यार दे रहे होंगे और रोज देख रहे होंगे। तो तब तक के लिए अब नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट्स और सब्सक्राइब। और हाँ सब्सक्राइब के यहाँ पे जो बगल में बेल आइकन का बटन होता है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलिए। Thank you so much. Thanks for watching.